अब देखिए, इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सोशल चेंज। अब सोशल चेंज क्या होता है? ये अल्टरेशन मतलब बदलाव। किस में बदलाव? सोसाइटी के स्ट्रक्चर और फंक्शन में। जब किसी सोसाइटी के स्ट्रक्चर या उसकी संरचना, उसके फंक्शन अर्थात कार्य में जब कोई परिवर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल चेंज कहते हैं। अब ये सोशल चेंज, अब ये टॉपिक का नाम टोटल पूरा है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट कब आता है? जब सोसाइटी में कोई चेंज आता है ना। तो सोसाइटी में चेंज का क्या मतलब? अल्टरेशन, किसकी? सोसाइटी के स्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना, फंक्शन मतलब उसके कार्य में जब परिवर्तन आता है, उसको हम क्या कहते हैं? सोशल चेंज। जिसके कारण क्या होता है? सोसाइटी में डेवलपमेंट आता है। अब इसमें देखिए, अगर हम डायमेंशन या एस्पेक्ट ऑफ सोशल चेंज की बात करें, तो तीन प्रकार के चेंजेस सोसाइटी में पाई जाती है। तो पहला चेंजेस, ये तीन चेंजेस क्या करती है? सोसाइटी में डेवलपमेंट लाती है। पहला होता है चेंज स्ट्रक्चर चेंज, मतलब सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज। तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज का क्या मतलब है? जैसे क्या होता है? इमर्जेंस ऑफ न्यू रोल, मतलब किसी प्रकार के नए रोल की उत्पत्ति। ठीक है, अगर मान लीजिए सोसाइटी में कई लोग रहते हैं, कई प्रकार के इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनकी कई प्रकार की नई प्रकार की भूमिका की उत्पत्ति हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। फिर इसके बाद होगा चेंजेस ऑफ रोल, ये कोई नया रोल पैदा हो गया, या फिर जो रोल था उसकी प्रगति चेंज हो गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? चेंजेस ऑफ रोल। या फिर चेंज इन क्लास एंड कास्ट स्ट्रक्चर, कास्ट एंड क्लास स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ गया, तो उसको भी हम स्ट्रक्चरल चेंजेस में मानेंगे। फिर इसके बाद होता है, या फिर सोशल इंस्टीट्यूशन में कोई चेंज, जैसे कोई फैमिली है, पहले क्या होती थी? एक ज्वाइंट फैमिली होती थी। अब ज्वाइंट फैमिली से आज के जमाने में कैसी फैमिली बन रही है? न्यूक्लियर फैमिली बनते जा रही है। तो ये प्रकार का क्या है? स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पर क्या होती थी? एक ज्वाइंट फैमिली थी, अब क्या होती जा रही है? एक न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है। फिर इसका देखिए फंक्शनल चेंजेस, मतलब सोसाइटी के फंक्शन में क्या चेंज हो रहा है। तो फंक्शनल चेंजेस कब होते हैं? जब सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच इंटरेक्शनल चेंजेस होते हैं। इंटरेक्शनल चेंजेस मतलब उनके आपस में जो मिलने जुलने की प्रक्रिया है, उसमें चेंज होता है। जैसे मान लीजिए, पहले कोई एक सोसाइटी थी जो बिल्कुल कोऑपरेटिव, मतलब एक दूसरे को सहयोग करने वाली थी, अब कैसे बदल गई है? कम्पिटेटिव, मतलब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने वाली। तो ये प्रकार की सोसाइटी को हम क्या बोलेंगे? सोसाइटी क्या हो गया? फंक्शनल चेंजेस आ गया। या फिर हम इसमें ये भी बोल सकते हैं, जैसे कोई सोसाइटी थी पहले प्राइमरी, मतलब उनमें रिलेशनशिप था पहले, मतलब कैसा पर्सनल इनफॉर्मल रिलेशनशिप था, वो पर्सनल इनफॉर्मल से कैसा बन गया? फॉर्मल कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बन गया। तो ये भी किसके अंदर आएगा? फंक्शनल चेंजेस के अंदर आएगा। फिर इसका देखिए कल्चरल चेंजेस, सिंपल सी बात है कि इसके कल्चर में चेंज आना। तो कल्चर में चेंज किसके कारण आता है? जब सोसाइटी में कोई नया इनोवेशन का इन्वेंशन मतलब खोज होता है, एडॉप्शन मतलब जब उसको अपनाया जाता है, या फिर डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? जब उसका फैलाव होता है, जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी सोसाइटी में आ जाती है, तो उसके कारण भी सोसाइटी के कल्चर में क्या होता है? चेंज होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कल्चरल चेंजेस होते हैं। जैसे अब हम बात करें कल्चरल चेंजेस, अगर हम इंडियन कल्चर में बात करें, तो हमारे पहनावे पर देखिए किस प्रकार से वेस्टर्न डोमिनेट होते जा रहा है। अगर हम अपने घर की बनावट को भी देखें, तो कैसे होता जा रहा है? वेस्टर्न कल्चर पे होते जा रहा है। इवन अगर हम अपने घर के टॉयलेट्स में भी जाएं, तो वहां पर भी जो टॉयलेट्स भी बन रहे हैं, उसमें भी वेस्टर्न कल्चर चल रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? हमारे कल्चर में ये दूसरे कल्चर की चीजें आते जा रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कल्चरल चेंजेस बोल रहे हैं, जो कि किसके कारण आ रहा है? इनोवेशन के, इन्वेंशन, एडॉप्शन और डिफ्यूजन के कारण आ रहा है। अब उसके बाद देखिए पैटर्न ऑफ सोशल चेंज, कोई भी जो सोसाइटी में चेंज होता है, उसका पैटर्न मतलब प्रारूप कैसा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम समझेंगे एक कंसेप्ट इक्विलिब्रियम से। तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, ये आपको ये बताएगा। पहला तो क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, मतलब एक बैलेंस, एक कंडीशन। जब सोसाइटी संतुलित है, उसका मतलब क्या है कि उसमें कोई चेंजेस दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। या सोसाइटी जब इक्विलिब्रियम है, तो हम कह सकते हैं कि जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, वो क्या है? संतुलन में। अब देखिए, जैसे मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है संतुलन में ही होगा। अगर मान लो, अगर कोई चेंजेस हो भी रहे हैं, तो वो ऐसे चेंजेस हो रहे हैं कि सोसाइटी वो चेंजेस को क्या कर रही है? आराम से अपने आप को एडजस्ट कर पा रही है उस चेंजेस में। ठीक है, जो रेट ऑफ चेंजेस है वो इतने हैं कि सोसाइटी की जो एबिलिटी है ना, उसको रजिस्ट करने की, उसको रोकने की, उसको सहने की, उस क्षमता को वो परे नहीं जा रहा, उसके पार नहीं जा रहा। इसका क्या होता है? सोसाइटी उन चेंजेस को क्या कर रही है? एडजस्ट कर ले रही है। तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, कोई इक्विलिब्रियम मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है सोसाइटी के फंक्शन स्ट्रक्चर में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन जो चेंजेस हो रहे हैं, वो इस गति से हो रहे हैं कि सोसाइटी में संरचना में मतलब सोसाइटी उनको एडजस्ट कर ले रही है, सोसाइटी में उसके कारण कोई बैलेंस बिगड़ नहीं रहा है सोसाइटी का ना, उसमें कोई इक्विलिब्रियम जो है वो बना हुआ है, सामंजस्य इसलिए बना है क्योंकि जो रेट ऑफ चेंजेस है किसके इक्वल है? सिस्टम की एबिलिटी की, सोशल सिस्टम की एबिलिटी की, कि उस चेंज को सह सके। तो इस कारण क्या हो रहा है? सोसाइटी में किसी भी प्रकार का बैलेंस मतलब बिगड़ नहीं रहा है, कोई डिसबैलेंस नहीं आ रहा है, इसलिए इस प्रकार की इक्विलिब्रियम हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब जस्ट इसका अपोजिट कंडीशन हम ये देखते हैं, अगर रेट ऑफ जो चेंज है ये क्या होता है? इतने तेजी गति से हो रहा है कि सिस्टम, जो सोशल सिस्टम, उसको एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा, उसको सहन ही नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिसइक्विलिब्रियम।
जैसे इसको हम एक एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे एक कोई कुली है, ठीक है, तो कुली क्या है, नॉर्मल अवस्था में चुपचाप खड़ा है, ठीक है, तो नॉर्मल अवस्था में खड़ा हुआ एक कुली की ये स्पेशलिटी है कि वो 5 बैग को उठा सकता है, कोई भी सूटकेस का वजन की बात नहीं करते हम, सिंपल एक गिनते हैं कि 5 सूटकेस वो उठा सकता है, ठीक है, लेकिन 5वें से जैसे 6वां सूटकेस कम उसके ऊपर रखते हैं तो वो क्या करता है, गिर जाता है, मतलब मैक्सिमम उसकी जो एबिलिटी है 5 सूटकेस को अच्छे से उठाकर चल सकता है। अब बताइए अगर मान लीजिए कोई कुली है उसके ऊपर कोई सूटकेस नहीं है तो वो अच्छे से खड़ा रहेगा, या अच्छे से खड़ा है मतलब क्या है, बैलेंस कंडीशन में, तो मतलब क्या हो गया, उस पर चूंकि कोई सूटकेस नहीं उठा रहा है मतलब उस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, मतलब किस प्रकार की कंडीशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई इसके ऊपर जो प्रेशर है सर पे वो कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, इस कारण वो क्या रहेगा, अच्छे से खड़ा रहेगा। लेकिन अब जैसे हम उसके ऊपर 1 2 3 4 5 तक सूटकेस रखते हैं तो क्या कर लेगा, उसको उठा लेगा, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज, जैसे 1 सूटकेस 2 सूटकेस 3 सूटकेस, ये उसके प्रेशर पे, सर पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसमें चेंज होते जा रहा है, और ये चेंज किसके बराबर है, उसकी एबिलिटी के, 5 सूटकेस उठाने तक की। लेकिन जैसे 5वें से 6वां सूटकेस रखते हैं तो ये उसकी एबिलिटी से क्या हो गया, बाहर हो गया। अब जैसे ही आपने चेंज किया प्रेशर को, 6वां सूटकेस रखा, तो क्या हो जाएगा, वो सूटकेस गिर जाएगा, क्योंकि वो अब अच्छे से खड़ा नहीं रह सकता, उससे ज्यादा बोझ उठा नहीं सकता, इसलिए क्या करेगा, वो गिर जाएगा, इसके अलावा सूटकेस भी गिर जाएगा, तो ऐसी कंडीशन क्या हो गई, डिसइक्विलिब्रियम। तो है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, डायनेमिक में चेंजेस होते हैं, लेकिन इतने चेंजेस होते हैं कि सोसाइटी है जो उसको एडजस्ट कर लेती है, उससे कारण सोसाइटी में कोई उसके फंक्शन स्ट्रक्चर में उतना परिवर्तन नहीं आता क्योंकि उसको एडजस्ट कर लेती है, लेकिन जब वही चेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो सोसाइटी उसको रजिस्ट नहीं कर पाती, उस चेंज को सह नहीं पाती, और क्या होता है, सोसाइटी में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। तो ये है सोशल चेंज।